पंजाब से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला के कातिलों की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर के अटारी में मुठभेड़ के दौरान जगरूप उर्फ रूपा को मार गिराया है। मूसेवाला की हत्या के बाद 52 दिनों से ये आरोपी फरार चल रहा था। शूटर्स की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद पंजाब पुलिस की पुलिस भारी फोर्स के साथ अटारी गाँव पहुंची थी। अमृतसर जिले की ये पूरी पुलिस फोर्स को एनकाउंटर में लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर शूटर मनप्रीत मन्नू भी चारों तरफ से घेर लिया गया है। चिच उर्फ बकना काला गांव में ये पूरी एक पुरानी हवेली के अंदर गैंगस्टर छिपे हुए बताए जा रहे हैं। इनकी तादाद 6 से 7 भी हो सकती है। तकरीबन 3 घंटे से ये मुठभेड़ चल रही है। कुछ पुलिस वाले भी इस एनकाउंटर में घायल हो गए हैं। खुफिया इनपुट से मिली जानकारी के अनुसार जगरूफ उर्फ रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू को पंजाब पुलिस ने अटारी बॉर्डर के पास गाँव में घेर लिया है। बताया जा रहा है कि मन्नू वही शख्स है जिसने मूसेवाला पर AK-47 से गोलियां चलाई थी। टेक्निकल सर्विलांस के पंजाब पुलिस ने ये पता लगाया था कि अटारी पुलिस अटारी और उसके आसपास के गांव में ये दोनों शूटर्स छुपे हुए हैं। पुलिस ने जब फायरिंग की तो दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि वहां पर वो आरोपी छिपे हुए हैं। माना जा रहा है कि गैंगस्टर के पास भी घातक हथियार है। इस एनकाउंटर में अब तक 3 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। वहीं एक शूटर की गोली लगने से मौत हो गई है। अमृतसर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां इस गांव में पहुंची है, जहां पर ये एनकाउंटर जारी है। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान शूटर से बात करके उन्हें सरेंडर करने की अपील की, लेकिन शूटर्स दूसरी तरफ से लगातार फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस को भी शूटर्स के जवाब में AK-47 का इस्तेमाल करना पड़ा है। 2 स्थानीय लोगों को भी इस मुठभेड़ में गोली लग गई है। सूत्रों ने बताया कि दोनों शूटर्स नशे के आदि हैं और ड्रग्स के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। पुलिस को ये पता था कि दोनों शूटर्स ड्रग्स के आदि होने के चलते ज्यादा दिनों तक पंजाब के बाहर नहीं रह सकते, इसलिए जैसे ही पुलिस को इन दोनों के गांव में आने की सूचना मिली, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों को बाहर आकर सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। अचानक गोलियों की सूचना मिलने पर आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। लोगों को उनके घरों से बाहर निकलने से भी पुलिस ने यहाँ पर मना किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घर में रहें और खुद को सेफ रखें। लोगों की भीड़ खेतों के आसपास जमा हो गई थी, अफवाह फैलने लगी। हालांकि बाद में शूटर्स के घेरे जाने के बाद लोग अपने घरों में चले गए। घातक हथियारों होने के शौकीन मनप्रीत बताया जा रहा है कि मनप्रीत मन्नू वही है जिसने मूसेवाला पर AK-47 चलाई थी और उसने सिद्धू मूसेवाला की जान ली थी। शूटर मनप्रीत पंजाब के मोगा जिले के रहने वाला है। मनप्रीत मन्नू खतरनाक हथियार रखता है और चलाने का भी वो बेहद ही शौकीन बताया जा रहा है। बाद में वह लॉरेंस गैंग में शामिल हो गया। वहीं रूपा तरन तारण का रहने वाला है। मनप्रीत मन्नू खतरनाक हथियार रखने वाला है और उनको चलाने का शौकीन है। बाद में ये दोनों ही लॉरेंस गैंग में शामिल हो गए थे और लगातार ये एनकाउंटर यहाँ पर चल रहा है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर बुला ली गई है। पंजाब से काफ़ी पुलिस फोर्स भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर लिया गया है। अभी तक एनकाउंटर चल रहा है और बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज 64। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।